हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के एक और नए ब्लॉग में। दिन हो चुका है आज बुधवार का और टाइम हो गया अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं और ये कुत्ते इतने जोर से भौंक रहे हैं, बस पूछो ही मत। इतने सारे हो रखे हैं हमारी गली में, किसी को भी निकलने भी नहीं देते। आते जाते आदमी को एक मिनट में कर देते हैं भाई, पाटले में है। और अभी सब्जी ली थी, यहाँ पे रखी है, देखो सोफे पे रख दी। ये रख रखी सारी सब्जी यहीं पर रख दी है और हवा इतनी जोर से चल रही है, बस पूछो ही मत। झाड़ू लगा रखी है, अभी पोछा लगाना बाकी है, कपड़े धोऊंगी और गैस स्लेब साफ करनी है। कई सारे काम हो रखे और मेरे को जाना था अभी नरेला भी, इजिका के लिए थोड़ा सा सामान लेके आना था, कुछ घर की जरूरी चीजें थी वो भी लेके आनी थी। और मन तो भी बिल्कुल निकल रहा एकदम, एक तो इतनी ठंडी हवा चल रही है और दूसरा अकेले जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। काफी टाइम हो गया सामान लेके आए हुए घर का, तो घर का सामान भी लेके आना था और वो भी करना था। और थोड़ा सा ये वॉलपेपर यहाँ से निकल रहा है हमारा, तो अब गैस स्लेब साफ कर देती हूँ, उसके बाद फिर कपड़े धोऊंगी। मशीन में से निकाल कर रख रखे हैं, आप बस निचोड़ कर सुखाने हैं, स्पिन कर देने एक बार और फिर बाकी का और बाद में देखूंगी, क्योंकि भी वो धो सुखा दूंगी, वो वाला काम एक साइड हो जाएगा। फिर कपड़े शाम तक सूख भी जाएंगे वरना फिर गीले रह जाएंगे। और 12 तो अब बच चुके हैं तो कर लेती हूँ भाई। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखा करो, लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियो आपको कैसी लगती है। और अब बस लग गई हूँ फटाफट से, पहले भी बर्तन वगैरह साफ करूँगी और ये सारी जो चीज़ें फैली हुई है वो भी समेट के रखनी है। झाड़ू पोछा तो बाद में होगा और उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, हर एक चीज़ उठा कर रखनी पड़ती है उसकी जगह पर जो जहाँ पर रखी जाती है। और उसके बगैर तो भी घर ऐसे ही फैला रहता है। और साथ साथ में भी काम के साथ में वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा भी कैमरे का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं लगता अब वीडियो बन रही है या फिर बीच में बंद हो जाती है, या कई बार ऐसा होता है फ़ोन वगैरह आ जा तो फिर उसमें सारा सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो आज की वीडियो में यहाँ पर थोड़ा सा कभी बंद हो रहा है बीच में कैमरा और कभी फिर दोबारा से चालू करना पड़ रहा है। तो अब गैस स्लैब वगैरह कर देती हूँ साफ। और आज इस पर मैंने भी वीडियो बनाते टाइम दो बार तीन बार ट्राईपोड से गिर चुका है मेरा फ़ोन, तो फ़ोन की भी भाई जान नाफत हो रखी है, क्या करें। और कई बार तो भाई वीडियो वगैरह थोड़ी लंबी हो जाती है तो हैंग भी होता रहता है। तो ये अब किचन का तो भी कर दिया है यहाँ पे मैंने काम पूरा, और अब उसके बाद चल पड़ी हूँ यहाँ पे, बस अब ये स्पिन करने हैं मेरे को। ज़्यादा कपड़े तो भाई होते नहीं, थोड़े थोड़े करके ही धो लेती हूँ। तो अब ये दो बाल्टी है, दो बार करके अब इसमें स्पिन कर लिए। सर्दियों में ढेर लग जाता है कपड़ों का, और पहले ये जो मोटे मोटे से थे थोड़े से वो वाले धो दिए हैं, और उसके बाद ये तो भी थोड़े से ऐसे फैला फैला कर रखने पड़े हैं, वरना ये फिर घूमने में थोड़ी सी दिक्कत मानना है। और अब बस ये धोगी, दो चार मिनट के लिए स्पिन करती हूँ, ज़्यादा देर के लिए नहीं। हवा चल रही है और धूप है तो उसमें टाइम यहाँ पर खड़े खड़े बिल्कुल वो नहीं हो रहा, यहाँ वहाँ घूमती रही। और सुबह नहा ली थी और भाई अपनी जोत बत्ती कर दी थी, और ये काम करते हैं तो दोपहर तक दो तीन बजे तक ऐसा हो जाता है जैसे, तो भाई आज नहाई नहीं हूँ। सुबह जल्दी उठ कर नहाने के बाद तो यही हो जाता है। और सर्दी में ये है कि भी दो बार तो नहाया जाता नहीं, एक बार नहा ले वही बहुत है। गर्मी में तो भी एक बार सुबह नहा ले, एक बार शाम को नहा ले, गर्मी में तो भी काम चल जाए, एक दो बार और ज़्यादा नहाया जाता है, पर सर्दी में तो बिल्कुल मुसीबत हो जाती है एक बार नहान में। तो बस अब ये कपड़े भी हो चुके हैं, अब बाथरूम वगैरह साफ कर दूंगी और थोड़ा सा यहाँ पे एक आध। तो आज हो गया भी बृहस्पतिवार का दिन और शाम की हो रही है 6:15 है यहाँ पे, और कल तो भी कोई वीडियो नहीं बना पाई, आज सुबह भी कुछ नहीं बनाए। तो भाई आज गई थी नरेला, कल तो टाइम नहीं लगा, फिर आज गई थी, कल कपड़े धोए थे और बाकी के और भी कई काम हो रखे थे तो जाने का मौका ही नहीं लगा। फिर घर पर कोई ना कोई आता रहता है तो भी कोई भी नहीं था घर पर कल, तो फिर आज ये थे। तो
फिर मैं चली गई थी। अब भाई घर पे कोई एक तो रहना चाहिए ना, कोई भी आ जाता भी पीछे से तो एक आदमी तो होना चाहिए घर पे। तो अब यहाँ पर आकर नरेला से आई थी अपनी खरीदारी करके, और इसमें भी लिख रही थी अपना हिसाब किताब जोड़ रही थी कितना खर्चा करके आएगी, और जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि एक तो भी अकेले जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, और एक हमारा रास्ता भी टूटा फूटा सा है तो वहां से निकलने में बहुत आलस सा हुआ है, और अकेले जाने का भी मन नहीं करता पर मजबूरी है अभी जाना पड़ा। और क्या सामान लेके आई हूँ वो दिखा दूँ आपने एक बार मैं, और ये सोफे यहाँ पे इसे डाल रखे हैं, बस भाई कोई भी आवे जो भी सामान लेकर आओ वो इनके ऊपर यहीं पर डाल दे है, यहीं पर ज्यादा टाइम वो हुआ है। तो ये इसमें एक वो बॉक्स लेके आई हूँ जो धूपदान होता है वो वाला लेके आई हूँ, जिसमें कपूर की गूगल की ये वो चढ़ाई जावे है, तो भी ये इस तरिया का मिला है, बहुत टाइम से सोच रही थी मैं ये लेके आने की, और देखो भाई इस तरिया का लेके आई हूँ मैं, कैसा लग रहा है, इसकी मेरे को बहुत ज़रूरत थी क्योंकि भाई वंग आदि तो बनाई जाती नहीं, टाइम तो लगता नहीं, वरना उस पर भी गूगल वगैरह की ढूंढनी सी उस पर कर देवा, और ये वाली ज़्यादा अच्छी है, देखूंगी भाई यूज़ करके कितने दिन चलेगी, इनकी कोई गारंटी तो होती नहीं, चाइनीज़ चीज़ है वैसे तो, और वैसे भी देखो शो पीस भी बन जाएगा इसका, अभी ये यूज़ करके नहीं देखी अभी इसको लगाऊंगी। तो ये आई भाई 300 रुपये की, तो ये आई थी, तो इसका बहुत दिन से वेट कर रही थी मैं, कई जगह गई वहाँ पर ये मिली भी नहीं थी पहले, और आज ये मेरे को याद थी एक दो चीज़ें लेनी थी। अब ये कैसे लगी, डाल कर रख दूँ थोड़ी देर फिर उसके बाद जला दूँगी इसने, और फटाफट दिखा दूँगी के निकाली, और ये देखो ये लीड इतनी सारी लेके आ ली मैं अपने लिए, और कोई छोड़ता ही नहीं ना मेरे पास, ये 100 वाली भी ली आई मैं, 2000 वाली भी ली आई, पर मेरे पास कोई छोड़ता ही नहीं, पहले लेके आए थे वो उसके एयरबड्स थे वैसे वो ले लिए भाई इनने मेरे नाम के लेके आए थे, और यूज़ खुद करे फिर ख़राब हो गया, वो उसी दिन का टंग रहा है, एक साइड का ख़राब हो गया था उसका, और फिर बाद में एक और लेके आई थी मैं अपने लिए खरीद के लेके आई थी 300 रुपये की, और ये तो खरीदते ही रहे हैं पापा बेटी, वो फिर इसी का ले गए, और अब ये लेके आई हूँ 180 रुपये की, अब फिर इसके पापा ने कहा वह है अब वो उसकी ख़राब हो रखी है, और ये उसके लिए भिजवा देना इशिका के लिए भाई, उसका वो कई बार वैसे क्लास भी अटेंड करनी पड़ जा है तो उसने ज़रूरत हुआ है इसकी, तो ये उसके लिए भेज दो, मैं फिर और ले आऊँगा तेरे लिए अच्छे से, मगर मैं तभी सस्ते में काम चला लूँ, ये भी नहीं छोड़ देंगे। और ये लेके आई थी थोड़े से अस्तर, और ये एक दक्ष के लिए, देखो भाई अब इन पे पिटाई होगी, ये मैंने स्टेशनरी की दुकान पर देखी थी भाई ये वाली, ये है वो है शोपनर है, तो बस वैसे इसका इतना ज़्यादा काम तो है नहीं, पर ली आई फिर इसके लिए एक आध बार ज़रूरत हो जाती है। और ये डबल साइडेड टेप है, ये यहाँ से जो एक साइड से निकल रही है ना थोड़ी सी किचन में वॉलपेपर, तो उसके लिए लेकर आई हूँ, और वैसे भी ज़रूरत रहती भी इसकी। ये लेकर आई हूँ अस्तर 3 मीटर, इसमें तो देखो कितना गहरा कलर दिखाई दे रहा है, और एक ये इसमें अस्तर लेके आई हूँ, और ढेर सारा भी ये लेके आई थी, और ये लेके आई थी कैलेंडर, पिछले साल के कैलेंडर में देख देख कर अब देखने लग रही थी कि होली अब की बार भी है अभी 17 तारीख की, और फिर बाद में देखा अभी कैलेंडर तो मैं 2022 का ही देख रही हूँ, तो आज लेके आई कैलेंडर, और छोटी छोटी चीज़ें लेके आई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई हूँ। ये जोत वाली जो चिमटी होती है अखंड जोत लगाते हैं उसके लिए आकर है ये वाली पिन, ये लेके आई क्योंकि वो जो पहले थी वो किसी ने ऐसे करके और अलग अलग कर दी थी, बच्चा नहीं करी है, क्योंकि तो बांसुरी लेके आई हूँ, ये मैंने व्हाइट कलर की बनानी है तो इसके लिए लेके आई हूँ, व्हाइट कलर की बांसुरी मिल नहीं रही थी, ये भी किसी काम के लिए है तो ये व्हाइट कलर है, ये इसके ऊपर कर दूँगी फिर ये व्हाइट बन जाओगी, क्योंकि व्हाइट कलर में मिल नहीं रही थी तो भाई अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ा। और ये आती है एक्रेलिक कलर 25 रुपये की है, ये छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम लग जाता है, और ये मेरे साथ जाओ तो ये बिल्कुल भी इतना इतनी देर नहीं रुक सकते, तो ये आदमी का तीसरा वो है बस एक दो मोटी मोटी चीज़ ले और भाग लो बस, ना कुछ ये वो करवाने दे हैं, अब ये कम कर ले थोड़े पैसे ना, इतना टाइम नहीं होता वैसे, जितना बोल दिया उतनी देर ले चलो। और इस कलर की लेकर रखे हैं मैंने अस्तर, तो भी इसका बनाऊँगी मैं अपना, पहले ही दिखा देती हूँ, ये है मेरे पास एक साड़ी तो इसका मैं बनाने वाली हूँ नायरा कट सूट, तो भाई वही अच्छा सा कपड़ा है जो अब चल रहा है, तो भी मेरे शादी के टाइम की रखी हुई है ये वाली, तो इसका बनाऊंगी, और इसका ये अस्तर लेकर आया था।
और ये देखो भी पहले ही दिखा देती हूँ, तो इस पे लगाने के लिए ये दो तरिया की, एक तो ये वाली लेस लेके आई, एक ये वाली लेस लेके आई, और एक ये तीन तरिया की लेस लेके आई हूँ। और ये लेस है भाई, ये है 25-20 रुपये मीटर, और ये है 50 रुपये मीटर। इतनी महंगी मिल रही है लेस भी, और ये 40 रुपये मीटर, तो वो भी बहुत सारी महंगी हो जाएंगे। तो इसके लिए ये सूट रेडी करूँगी, जब आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी बस लेके आई हूँ सामान, देखो भाई कब टाइम लगेगा, कब नहीं लगता, और क्या रह गया। और इसमें है ये मशीन का ही सामान, इतना वो हो जाता है छोटी छोटी चीज़ें कि एक आध चीज़ भूल जाते हैं जब जाना है लेने। तो ये आ रही भाई एक रिविल सिविल टेप, तो जब ये कपड़ा फट जा है या और कुछ हो जाता है तो उसके यूज़ में होती है, बहुत बारीक सी है। देखो रिविल सिविल टेप के नाम से जाना है इसने, और इसने कपड़ा चिपकाना हो या फिर चौक चाक वगैरह जिस पर तुरपाई ना करनी हो तो उस काम में हम इसने यूज़ कर सके हैं। ये खुल चुकी है मेरी थोड़ी सी, तो भी ये लेकर आ रखी है एक रिविल सिविल नाम की है ये टेप, और सिलाई के काम में यूज़ होती है। और ये 25 की या 35 की इतने रुपए की दे रखी है, जो मेरी पैंट बंदरों ने फाड़ दी थी, तो उसको ठीक करने के लिए मैं ये लेके आई हूँ। देखती हूँ भाई वो ठीक हो जाएगी पहनने लायक या नहीं होती। और इससे भी कर सकते हैं, ये है फैब्रिक ग्लू, या हम जो भी कपड़े को आराम से चिपक जावा है, बिल्कुल भी नहीं हटता। मैंने कई चीज़ें चिपका कर देख ली, बॉक्स वगैरह बनाए हैं वो भी इससे बनाए हैं। तो ये आती है 15-20 रुपए की, ये है दो ये लेके आई थी, और एक इस तरह का फेविकोल, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत भी बॉक्स वगैरह बनाती रहूँ, कुछ ना कुछ यूज होता रहा है। और ये मशीन की सुई लेके आई, आज तो भाई सारी छोटी छोटी चीज सुई भी दिखा दूंगी। और एक ये है जो भी पर्स वगैरह जो कुछ हुआ है ना उसके लिए है, ये इस तरह की ये चिपकने वाले होता है, जूते वगैरह होते हैं जो छोटे बच्चों के, उस तरह की देखो। और उसे मैंने उन दुकानदार बोली थी कि अलग अलग कर देना, और उसने एक साथ चिपका के दे दी ये वाली, इस तरह चिपकन वाली है ये वाली चीज। तो एक ही लेके आई थी 1 मीटर। तो ये था मेरा सामान, इतना देखो कितनी छोटी छोटी चीज है, पर इन छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा टाइम लग गया है, और इनके बिना बहुत सारा काम भी रुक जाता मेरा तो। और ये बॉक्स यहाँ पर रखा है, तो भाई इसमें तो सारी खाने पीने की चीजें भर कर लेकर आ रही हूँ, और इसमें वैसे कुछ नहीं है, सारा नमकीन, ये तो भाई क्या दिखाने हैं, नमकीन है, बिस्कुट है, रस है, पैन है, पूरा बैग, ये पूरा बैग इन चीजों का भर रखा है। इशिका के लिए भिजवाना है, कुछ कुछ घर पर रखना है, तो भाई ये तो मैं खोल नहीं रही, सब के घर में होगा नु कह देंगे अड़ा अपनी बोर बढ़ाई मारने लग गई है, तो भी सब खाव है जी, ऐसा कुछ वो नहीं है, जरूरत की जो चीजें हैं सब लेके आओ अपने घर में। बस हम तो ये है अभी वीडियो बना रही है, तो कुछ ना कुछ तो वीडियो में दिखाएंगे बताएंगे, कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, फिर वीडियो में बताओ भाई क्या शेयर करें। तो बस इसीलिए होती है अपनी दो चार जो भी वो होती हुई बातें हैं वो कर ली। और देखो अब रात के टाइम में स्टॉल इतना अच्छा लग रहा है ना, तो भी बताना मेरा स्टॉल कैसा लग रहा है। पिछले साल लेके आई थी मैं ये 900 का या 1100 का कुछ इतने का था, और ब्लैक कलर है, हर एक के साथ चला है। और अब टाइम हो गया भाई खाना बनाने का, बना लेती हूँ, फिर पापा को भी टाइम पर दवाई वगैरह भी देनी है। और आज ले रखी मैंने घिया, और घिया का भी ऐसा है अच्छी सी सब्जी बनेगी या नहीं बनेगी, तो मैं सोच रही हूँ पहले इसको कट कर कर उबाल लूँगी एक बार, और फिर उसके बाद इसकी सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि भी ये फिर गुड्डा नहीं की एकदम से अच्छी सब्जी नहीं बनेगी। और वैसे भी घिया का नाम सुनते ही सबके मन में हो जाए नहीं घिया तो बिल्कुल भी नहीं, पर थोड़ी सी हरी सब्जी भी ज़रूरी है। और सुबह बनाई थी छोले, जो छोले वैसे चाट वाले होते हैं छोले कुलचे, वो बनाए थे, जिसको भी नहीं पसंद आएंगी वो उनके साथ खा लेगा, अभी रखे हुए हैं थोड़ी से। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए ना तो भी लाइक करना, और कौन सा चीज़ आपको अच्छी लगी वो भी कमेंट करके बता देना। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी चैनल पर आता है सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते। तो फिर मिलेंगे, राम राम।